हेलो हेलो मैम, आई एम फाइन। मैम एवरीवन, आई हाउ आर यू ऑल? हेलो मैम, आई एम फाइन। बेटा थैंक यू, वेलकम यू इन दिस सेशन। जैसे कि लास्ट सेशन में हम कॉम्प्रिहेंशन पोयम डिस्कस कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर बी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपकी जो कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो सके। ओके, यस मैम, आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक। आई थिंक सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी, अभी रही है ना? ओके, यस मैम, वी रीड अबाउट द पोएम द स्नेल। स्नेल पोएम कैसा लगा आप लोगों को बेटा? मैम, इंटरेस्टिंग ना? यस मैम, ओके, what do you know about snail? What do you know about this poem? What do you know about the poem snail? Aviral, tell me. स्नेल Yes, you know snail is giving some message. What is the message? महक, यू टेल मी। यस, मैम हमें हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड नेवर फेल इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ जर्नी। कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए। सो वी शो द पोयम, वेयर इज द स्नेल गोइंग? द स्नेल, वी हैव टू राइट द आंसर। द स्नेल इज गोइंग टू फाइंड गोइंग टू द अदर साइड, है ना? अदर साइड ऑफ द सी टू फाइंड हिज डिनर। ओके, सारे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना? यस मैम, यस मैम। बेटा आप सभी को जो भी क्वेश्चन, जो भी होमवर्क दिया जाता है, यू ऑल नीड टू कंप्लीट ऑल द होमवर्क। ओके, सभी को करके सबमिट करना चाहिए। सिर्फ एक दो लोग ही सबमिट करते हो। अगर अभी आपको होमवर्क नहीं आ रहा है, लुक एट एक्सरसाइज नंबर बी। लेट अस रीड बिटवीन द लाइंस। व्हाई डज द स्नेल हैव टू अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप? द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, व्हाई डज द स्नेल हैव टू अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप? थ्रेटनिंग मीन्स, अरुण, थ्रेटनिंग मीन्स मैम बनाना, किसी चीज को बनाना। नो नो नो, महक, व्हाट डू यू नो अबाउट थ्रेटनिंग मीन्स? Threatening means? Aviral? Threatening means? Yes, threaten. Threaten. Threatening means होता है डराने वाला, ठीक है? So the question is asking that क्यों स्नेल को अपने लाइफ की जर्नी में, लाइफ के वे में जो वो जा रहा है लॉन्ग जर्नी पे, उसमें उसे हर डराने वाले जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो डिफिकल्टीज आएंगे, उसको उसे क्यों इसका वेट करना होगा? व्हाई? व्हाट इज द आंसर? आंसर कैसे लिखेंगे इसका? थिंक एवरीवन, सभी सोच के बताइए। देखिए, लुक एट द पोएम, पोएम देखते हैं। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर टेंडर लीफ और जूसी स्टेम। ही विल ब्रेव द हजार्ड ऑफ द रोड, नॉट मेक द डोजर वेब और रन। ही मस्ट अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप, चांसिंग हिज लक, कीपिंग हिज टेंटेकल्स क्रॉस्ड थ्रू ऑल अनअवेयर ऑफ दिस डेंजर्स ऑफ बीइंग स्क्वैश्ड। क्यों? बिकॉज ही हैव टू फाइंड हिज गोल। व्हाट इज हिज गोल? Aviral, what is his goal? It's
juicy leaves and मैम tender stem and juicy leaves है ना, ये उसका गोल है. सो दैट उसे अपने उस साइड पे जाना है जहां पे वेयर वुड बी द ग्रासेस ग्रीन, वेयर वुड बी द टेंडर लीव्स जूसी स्टेम, है ना. सो इस तरीके से द स्नेल हैव टू अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप टू फाइंड हिज गोल, टू फाइंड द डिनर दैट इज जूसी लीव्स एंड टेंडर स्टेम्स, टेंडर स्टेम्स एंड जूसी लीव्स, ग्रीन ग्रासेस. ओके You have to write the answer like this. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Look at the question number 2. What does the poet mean by lines? Throw all unaware, unaware of dangers of being square. Think an answer. बेटा, you have to explain the lines. Explain करना होगा. Yes, ma'am. How to be explained? How to explain, Mahek? Tell. Tell me, hurry up, Mahek. Yes, ma'am. Aviral. देखिए तो इसके बेटा पोएम देखे यहाँ पे. Means he is saying that if he doesn't know the hazard of his life, अगर उसको अपनी life की journey पे कौन सी problem आएंगी, कितनी बड़ी problems उसे face करना होगा, यदि भी उसे नहीं पता है, फिर भी he would be brave. He would be brave and he never be afraid. He must reach till his dinner. है ना? Yes. अनअवेयर में होता है ऐसी चीजें जिससे कि हम अनअवेयर हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता. तो स्नेल को ये नहीं पता, स्नेल डजंट नो दैट हाउ मेनी एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हैव ही फेस्ड ऑन हिज जर्नी, ऑन हिज वे. बट ही वुड बी ब्रेव, ही वुड नेवर शट अप. मतलब वो हार नहीं मानेगा, वो थकेगा नहीं, यद्यपि उसे अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आने वाली है इस जर्नी में अपने उस डिनर तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी उसे नहीं पता, बट ही वुड वेट फॉर देम, उनका वेट करेगा. ओके और उसको कुचलता हुआ, उसको पार करता हुआ, ही वुड रीच टू द टेंडर लीव्स. ओके कर लेंगे अभी? यस मैम. Yes, हो जाएगा ना, मैं एक्सप्लेन कर लेंगी. Yes, ma'am. आपको आंसर लिखना रहेगा. ठीक है, द पोएट मीन्स बाय द लाइन थ्रो द अनअवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ बीइंग स्क्वेयर्ड इज दैट द स्नेल इज वेरी ब्रेव क्रिएचर एंड ही वुड नेवर बी अफ्रेड फॉर द डेंजर्स ऑफ हिज वे. If there are, if he is unaware of all the problems, but he would be, he would reach to his dinner. Okay, facing all the problems. ठीक है, कर लेंगे? Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. Okay, let us go beyond the poem. Look this question. बेटा सारे क्वेश्चन करने, ओनली ए ही नहीं करना है. यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर ए बी एंड सी. ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपकी इमेजिनेशन को इंक्रीज करेंगे. इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप सोचोगे, जिससे आपकी कैपेसिटी जो है, इमेजिनेशन कैपेसिटी जो है, थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा. ओके इसको छोड़ना नहीं, इसको भी करना है. यस मैम. देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. लेट अस गो बियॉन्ड द पोएम. व्हाई डू यू थिंक द पोएट फील स्मॉल इन द फ्रंट ऑफ द स्नेल. लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. पोएम की लास्ट लाइन देखते हैं. द पोएट इज सेइंग व्हाट विद द पोएट ऑफ दिस पोएम. अरुण, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? मैम रस्किन.
रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ओके रस्किन बॉन्ड. सो लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, द ऑथर रस्किन बॉन्ड इज सेइंग दैट. बेटा किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा, मेरी आवाज आपको डबल टाइम सुनाई दे रही है. शायद अरुण भी आता है ऐसे मैम. तो द ऑथर इज सेइंग एट द लास्ट दैट ही आई सैल्यू टू स्नेल somehow you have made me feel quite small. मतलब स्नेल मैं आपको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखकर, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को देखकर मैं अपने आप को स्मॉल फील कर रहा हूँ. क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बींग हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से हार जाते हैं. थोड़ी बहुत हमारी लाइफ में अगर मुश्किल आती है तो हम चलते हैं ऐसे ही करते हैं, अरे मेरे बस की बात नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, कैसे मैं कर पाऊंगा. मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन अवर ब्रेन, इन अवर माइंड, एंड वी एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फेड अप, हम थक जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना. यस मैम. बट आपको देखकर, इस स्नेल को देख के इतना स्मॉल फीचर होते हुए भी स्नेल जो है, द स्नेल इज गिविंग अ प्रीचिंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स दैट वी शुड आल्सो फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ आवर लाइफ. ठीक है. यस मैम. तो ऐसे में आंसर लिखना है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट फील्स स्मॉल इन द फ्रंट ऑफ स्नेल. क्यों पोएट स्मॉल फील कर रहा है अपने आप को स्नेल के सामने. मैम अविरल, हाउ वी राइट द आंसर. द मैम द पोएट फील स्मॉल ऑन द फ्रंट ऑफ स्नेल बिकॉज स्नेल इज वेरी ब्रेव. बिकॉज ही फीलिंग दैट दैट क्रिएचर इज वेरी वेल, very brave. If he is small, small creature, but he is preaching all the human beings a yes, good lesson of bravery. Okay, कर लेंगे. Yes, I think the poet feels small in the front of the snail because in this poem the small creature snail is giving the preaching of human being. That is, we should never fed up in our life. We should never fail in our life. We should welcome all the danger of our life like a brave person, like a brave creature. Okay? Yes, ma'am. कर लेंगे अभी ऐसे ही. Yes, ma'am. So, बेटा, it is ending now. And look at the book number A. हमारी कुछ वर्क pending रह गए हैं. Can you tell me what is the pending work in book A? थिंक एवरीवन, सभी आप सही पढ़े हो, आप तो बता ही सकते हो ना कि पेंडिंग वर्क क्या है. मैम लिस्निंग जंक्शन एंड राइटिंग जंक्शन. राइटिंग लिस्निंग तो भी बेटा पॉसिबल नहीं क्योंकि अभी आपका मैनुअल नहीं, सो दैट लिस्निंग अभी आप लोग मिलेंगे तब होगा. राइटिंग स्किल्स हम कर लेते हैं. लुक एट दिस टॉपिक. Here is a note from young girl. Look carefully. Here is a note from a young girl who wants to apologize to her friend for her behavior. Let us see what she has written. Writing skill mein we will know that how we have to write a letter. And in the letter, how we have to describe our feelings. Okay? Yes, ma'am. So, in this... The letter is writing by a girl. एक girl ने लिखा हुआ है. girl ने girl लिख रही है किसके पास, जो कि apologize कर रही है. apologize means apologize means माफी मांगना. ठीक है. तो वो माफी मांग रही है apologize करते हुए अपने friend से. क्यों? For her behavior. कि उसने यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ कुछ मिसबिहेव किया है. सो दैट ही इज राइटिंग अ लेटर टू अपोलाइज फॉर हर फ्रेंड. ठीक है. तो देखते हैं उसने लिखा क्या है. आपने देखा इस चैप्टर में द एट लास्ट एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी नरेटर इज अपोलाइजिंग फॉर हिज एल्डर ब्रदर वलोदिया, है ना. Yes, ma'am. यहाँ पे नरेटर ने क्या मिसबिहेव किया था ना अपने एल्डर ब्रदर के साथ. यस मैम.
क्या किया था? व्हाट इज द मिस वी हैड मैम? उन्होंने मैम नरेटर नरेटर ने मैम मैम नरेटर ने बलोदिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मिसबिहेव किया था उसकी। एक तो उसके मटेरियल्स को तोड़ा था, उसकी फेवरेट सेंट बॉटल को तोड़ा था, दूसरा उसे अपोलाइज भी नहीं मांग रहे थे, उसको उसको मतलब टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, है ना, अपने अपने ब्रदर को। ओके, तो ऐसे यहाँ पे एक गर्ल ने अपनी फ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया है, तो अपोलाइज करते हुए लेटर लिख रही है। लेट सी, डियर रश्मि, द नेम ऑफ हर फ्रेंड इज रश्मि। ओके, डियर रश्मि, आई एम रियली सॉरी अबाउट रूड थिंग्स आई सेड टू यू। मतलब आई एम रियली सॉरी अबाउट द रूड थिंग। रूड थिंग मीन्स मैम, रूड थिंग मीन्स बैड टॉकिंग, मतलब बुरी बुरा व्यवहार। ठीक है, कुछ बुरा चीज मैंने कर दिया था आपको। आई सेड यू, आई सॉ दैट माय प्रोजेक्ट वाज लेइंग ऑन द फ्लोर, मतलब जब मैंने देखा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पड़ा हुआ है फ्लोर पे। फ्लोर मीन्स फ्लोर मीन्स सीढ़ियां, फर्श होता है। फ्लोर मीन्स फर्श, नॉट सीढ़ियां। ओके, ब्रोकन, एंड अज्यूम दैट यू हैड ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक। मतलब जब मैंने देखा मेरा प्रोजेक्ट खराब होकर फ्लोर पे पड़ा हुआ था, मुझे लगा कि ये सब आपने किया था, ये गलती आपने किया है। सो ये सोचकर मैंने आपको चिल्ला दिया, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू थिंक दैट यू वुड नॉट टेक केयर ऑफ माई प्रोजेक्ट। मतलब मैं गलत समझ बैठी कि आपने मेरे प्रोजेक्ट की देखभाल नहीं की और उसको फेंक दिया, तोड़ दिया। सो इसकी वजह से मैंने आपको रूड बोला, रूड थिंग्स बोला, सो दैट आई एम अपोलाइजिंग टू यू। ठीक है, I sincerely apologize for my behavior and I hope that you will accept my apology. मतलब इसके लिए मैं आपसे apologize करती हूँ, आपसे sorry करती हूँ, और मुझे believe है, I think you will accept my apology. आप जरूर मेरी माफी को accept कर लोगी, and please let us be friend again. आइए हम फिर से प्रीति, ठीक है, प्रीति ने लिखा किसको? रश्मि को। ठीक है, क्लियर? यस मैम, यस मैम। सो नाउ इमेजिन यू आर द नरेटर इन द स्टोरी। नाउ यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ नरेटर। ठीक है, यू आर द यंगर ब्रदर ऑफ अलोद्या। सभी ने इमेजिन किया? यस मैम। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? Leo Tolstoy. So now you are Leo Tolstoy. Okay. सभी लोग क्या है? Leo Tolstoy है and the younger brother of Volodya. So you are sorry about your behavior. अभी आपको feel हो रहा है, आप sorry हो अपने behavior के लिए जो आपने किया अपने भाई के साथ. And want to explain your action to Volodya. And now आप अपनी feelings को Volodya से कहना चाहते हैं. Okay. Write a note to him expressing your feelings and apologize for your behavior. आपको like the like प्रीति, जैसे प्रीति ने लेटर लिखा बताए अपनी फीलिंग्स को, ऐसे ही आपको भी एक अपोलाइज लेटर लिखना है अपने एल्डर ब्रदर वलोद्या के पास, अपने इस बिहेवियर के लिए अपोलाइज करते हुए। ओके, कैन यू डू इट? कर देंगे सभी? इट्स वर्क फॉर टूडे, इट इज वर्क फॉर टूडे बेटा, आज ही करना है। ठीक है, यू कुड यूज फ्रेसेस लाइक, देयर इज हिंट फॉर यू, हिंट यूज करना, आप इस फ्रेसेस यूज कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू अपोलाइज अबाउट, मतलब मैं अपोलाइज करना चाहूंगा किसके बारे में, अबाउट माई मिसबिहेव, आई डिड वेरी रॉन्ग थिंग्स, आई वॉन्ट टू टीज यू सो दैट आई ब्रोक योर फेवरेट सेंट बॉटल, and also I tease you by using humor for you, मतलब मैं आपका मजाक बनाते हुए आपको चिढ़ा भी रहा था, मतलब so that I did very wrong things for you. ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे अपनी feelings को वलोद्या के लिए। ठीक है, yes ma'am, I'm sorry that, yes, ma'am. आप जरूर लिखेंगे I'm sorry that, मैं sorry हूँ इसके लिए।
इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मतलब ये मैंने गलत किया, ये सारी चीजें आप ये फ्रेसेस आप यूज कर सकते हो. ओके, यू हैव टू यूज दिस फ्रेसेस इन योर लेटर. ओके यस मैम, यू ऑल कैन डू इट, सभी कर सकते हैं इसे. ओके बेटा, स्पीकिंग जंक्शन भी होमवर्क में देती हूँ, इट्स वर्क फॉर टुमारो. स्पीकिंग जंक्शन का वर्क टुमारो के लिए रहेगा. कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट दैट ब्रॉट यू क्लोजर टू योर ब्रदर और सिस्टर? कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट? बेटा व्हाट द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन महक? कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट दैट ब्रॉट यू क्लोजर टू योर ब्रदर और सिस्टर? मैम क्या आप सोचते हैं एक एक्सीडेंट है जो आपके ब्रदर और सिस्टर ने आपको कोई कीमती सामान? यस अभिनव, व्हाट डू थिंक? मैम क्या आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बता सकते हैं जो आपके भाइयों और बहनों की को क्लोज करता हो, मतलब पास लाता हो? ओके यस, कैन यू थिंक, मतलब क्या आप सोच सकते हैं ऑफ एन इंसिडेंट, मींस कोई ऐसी घटना आपके साथ आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो दैट ब्रॉट यू, ब्रॉट इज मेड फ्रॉम ब्रिंग, ब्रिंग से बना है ब्रॉट, ब्रिंग मींस मैम लेना, लाना एंड ब्रॉट मींस लाया, दैट ब्रॉट यू जो आपको ले आया कहाँ पे? क्लोजर, क्लोज मींस बंद करना नहीं होगा, क्लोज मींस पास, जो आपको पास ले आया टू योर ब्रदर और सिस्टर, आपके ब्रदर और सिस्टर के और भी क्लोज ले आया हो. ऐसी कोई इंसिडेंट आपको अगर याद है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप अपने भाई बहन के और ज्यादा क्लोज आ गए हो? ठीक है, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है. एंड इट कुड बी अ फाइट लाइक दैट वन इन द स्टोरी दैट मेड यू रियलाइज हाउ मच यू लव हिम और हर, मतलब ऐसे कोई इंसिडेंट जैसे कि कोई फाइटिंग हुआ हो, जैसे कि स्टोरी में फाइटिंग हो रही थी ना दोनों ब्रदर में, है ना? यस मैम, इस तरीके से क्या आपके साथ कोई ऐसी फाइटिंग हुई हो और लास्ट में आपको ऐसा रियलाइज हुआ हो कि आप अपने भाई या फिर अपने ब्रदर या सिस्टर को कितना लव करते हो, फिर आपको फील हुआ कि मैंने रॉन्ग किया, ऐसी कोई थिंग्स आपके साथ हुई है तो आपको लिखना है. इट कुड इवन बी हैप्पी इंसिडेंट, शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द क्लास. यू हैव टू राइट एक्सपीरियंस एंड इन द नेक्स्ट सेशन आपको ऐसा एक्सपीरियंस बताना है या अभी बताएंगे? What do you want to, क्या करना चाहेंगे? अभी तुरंत बताएंगे, अभी पहले आप लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में बताएंगे. पहले नोट करेंगे. ओके ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम. नेक्स्ट लाइव क्लास में यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस बिफोर एट द फ्रंट ऑफ द क्लास. ऐसे लाइव क्लास में आपको अपनी शेयरिंग, अपनी फीलिंग सबसे बताना है. व्हाट वाज द इंसिडेंट, क्या हुआ था, कैसे आपकी ब्रदर सिस्टर में क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से आप क्लोज आ गए, ऑल द थिंग्स यू हैव टू डिस्क्राइब. ओके यस मैम, इन शॉर्ट, बेटा बहुत बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट में ही आपको बताना है. ठीक है, यस मैम. सो दिस इज वर्क फॉर टुमारो, टू डेज वर्क आपका दे दिया गया, राइटिंग जंक्शन से करना है. बेटा राइटिंग जंक्शन होमवर्क यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ठीक है, नोटबुक में करना है और सेंड करना है. ठीक है ना? यस मैम, यस मैम. दिस वर्क यू हैव टू राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड अपोलॉजिंग फॉर अपोलॉजिंग योर बिहेवियर, ठीक है, टू वलोद्या, वलोद्या को लिखना है. एंड यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी. ओके यस, आपका चैप्टर फर्स्ट तो एंडिंग हो चुका है बेटा. अभी इस चैप्टर में हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ हेल्प इफ यू नीड इट यू कैन आस्क टू मी. नो मैम, सारी टॉपिक क्लियर है, स्टोरी एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन स्टोरी ऑल दिस थिंग्स इज क्लियर? यस मैम. Not any confusion? No, ma'am. Okay, beta.
कोई भी पेंडिंग वर्क, किसी भी एक्सरसाइज में कोई कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ग्रामर जंक्शन, ग्रामर स्टेशन? नो मैम. बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना था, रीडिंग जंक्शन के जो क्वेश्चंस थे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. डिस्कस किया भी गया था. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. रीडिंग जंक्शन के जो क्वेश्चन है इसको अपनी नोटबुक में करना है. आप लोगों ने इसे अपनी बुक में ही कर दिया, देखिए बुक में जगह भी तो नहीं है, स्पेस भी नहीं है. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. बेटा नोटबुक में आप इसको करना है, इसको करके सबमिट करेंगे. ठीक है महक? यस मैम. इडियम, प्रोनाउंसिएशन, जंक्शन सब कुछ क्लियर है? यस मैम. ओके बेटा. No, Mahan, I'm going to ask some questions, okay? Look at the comprehension junctions line. इसको देखिए. And you have to explain the lines whatever I'm asking to you. ठीक है, जो मैं आपसे पूछूंगी उस लाइन को एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है? Yes, ma'am. This line, explain this line. Hill braved the hazard of the road, not made the dozes or web or run. He must await each threatening step, chancing his luck, keeping his tentacles crossed. Think and tell me. Explain the line. Ma'am, vaha brave banega aur सड़क पर जो भी समस्या आएगी उसे वो सॉल्व करेगा. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. Then he make brave and solve the problem of the road. Okay, चलिए आपको बेटा, आप लोग भी बड़े क्लासेस में हो गए हैं, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए लाइन्स दी जाएंगी. ठीक है, और इसमें आपको रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करना होगा. रेफरेंस में जैसे आप हिंदी में करते हैं संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं ना? Yes, ma'am. संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आप हिंदी में करते हैं ना, पोएटिक लाइन्स की, कविताओं की. लाइक दिस यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो द पोएटिक लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. उसी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो संदर्भ को हम बोलेंगे रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस मीन संदर्भ. अगर मैं आपको ये लाइन देती हूँ, एक्सप्लेन द लाइन विद रेफरेंस. ठीक है, ही विल ब्रेव द हजार्ड ऑफ द रोड, नॉट मेड टू डोज और वेव और रन, ही मस्ट अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप, चांसिंग हिज लक, कीपिंग हिज टेंटेकल्स क्रॉस्ड. सो यू हैव टू गिव द रेफरेंस लाइक दिस, दीज लाइन्स, दीज पोएटिक लाइन्स. ठीक है, have been taken. ठीक है, these poetic lines have been taken from the poem Snail. ठीक है, जैसे हिंदी में कहते ना कि ये कविता, ये लाइन इस कविता से ली गई है, इसके जो रचयिता है वो ये है. हिंदी में आप लोग करते हो ना ऐसे? यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम स्नेल, फ्रॉम द पोयम द स्नेल. And Ruskin Bond is the author of this poem. Okay? Yes, ma'am. Okay, beta. Now tell me, what is the reference of this line? Ma'am. Ma'am, living the safety wala. Beta, pehle reference jo maine aapko bataya, reference kaise likhenge, iska reference bataiye. These lines have been taken. These lines
हैव बीन टेकन बाय द हैव बीन टेकन बाय द पोयम ऑफ फ्रॉम द पोयम फ्रॉम द पोयम द स्नेल. बेटा इसको नोट कर लीजिए, ये रेफरेंस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. मैं रफ लेकर बैठी हूँ ना, नोट डाउन इन योर रफ नोटबुक. इंग्लिश की नोटबुक में नोट कर सकती हो. इस तरीके से रेफरेंस आपको हर पर्टिकुलर लाइन पे देना पड़ेगा. ओके यस मैम. लाइक नो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. पहले काम करो यहाँ पे ही विल से लेके डैश डैश करके लास्ट लाइन क्रॉस तक करिए. राइट नाउ ही विल डैश 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 एंड लास्ट लाइन लिखिए क्रॉस लास्ट वर्ड एक ही लाइन में. डन? यस मैम. वन लाइन में आपने क्या लिखा, टेल मी. Mom, he will dash 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 last word. Last word क्या लिखा है? What is the last word? Mom, crossed. Crossed. अब means ये हुआ, आप जो line describe करना चाह रही हो वो lines क्या है, किस किन लाइनों को आपको describe करना है. He will brave the hazard of the road, not need to doze or web or run. He must await each threatening step, chancing his luck, keeping his tentacles crossed. अब इन लाइनों को आपको explain करना है, ठीक है? अब आप डालिए reference, right now heading डालिए reference, R E F E R E N C E. Yes ma'am. R E F E R E N C E. Note down किया? Yes ma'am. Up right now these lines have been taken. Done. Yes, these lines have been taken from the poem. From the poem. स्नेल. स्नेल को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना. राइट द वर्ड स्नेल इन डबल इन्वर्टेड कॉमा बिकॉज इट इज द टाइटल ऑफ द पोयम. ओके यस मैम. पोयम की टाइटल है ना द स्नेल. फुल स्टॉप. राइट द नेक्स्ट लाइन. द ऑथर ऑफ दिस पोयम इज रस्किन बॉन्ड. द ऑथर ऑफ दिस पोयम इज रस्किन बॉन्ड. The author of this poem is Ruskin Bond. हो गया? Yes ma'am. अब देखिए, आप जैसे आप हिंदी में करती हैं संदर्भ लिखा, फिर प्रसंग लिखते हैं ना. प्रसंग मीन्स कि इस लाइन का मेन थीम क्या है, है ना. प्रसंग में यही तो देते हैं कि जो लाइन हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका मेन थीम क्या है. व्हाट इज द मेन थीम. तो इसका मेन थीम क्या है, थिंक महक. इस पोएम में क्या बताया जा रहा है, मेन थीम क्या निकलेगा इसका. अरे बेटा टाइम इज गोइंग टू ओवर. मैम स्नेल जो था वो एक बड़े से पहिए से बच गया था. ओके बेटा, इसका मेन थीम ये होगा. इन दिस लाइन द स्नेल इज डिस्क्राइबिंग एज अ ब्रेव क्रिएचर. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आप लिख लो. Right now, in this line, in these lines, okay, in these lines, in these lines, the snail is described as a Yes ma'am. Describe as a great creature, brave creature, as a brave, B-R-A-V-E, brave creature, as a brave creature. Okay? Yes ma'am. And
ही इज गिविंग द मैसेज ऑफ एंड ही इज गिविंग द मैसेज ऑफ ब्रेवरी. ओके, अब मैंने आपको मेन थीम बता दिया. अब नेक्स्ट हेडिंग डाली बेटा एक्सप्लेन, एक्सप्लानेशन. राइट नाउ एक्सप्लानेशन, ई एक्स पी एल ए, मैम ई एक्स पी एल ए, पी एल ए एन ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई ओ एन, एन ए टी आई ओ एन. ठीक है, अब बेटा मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, कॉन्टेक्स्ट बता दिया. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन्स योर होमवर्क. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन आप खुद करेंगी. अपने शब्दों में आपको ये लिखना है किस तरीके से स्नेल क्या कह रहा है. ठीक है, कर लेंगी. एंड आफ्टर डूइंग दिस वर्क यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क टूडे, टूडे टुमारो, कल करना. ठीक है, यस मैम. इस वर्क फॉर टुमारो करेंगी ना बेटा. यस मैम. इसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है. ऐसे ही कोई भी पोएटिक लाइन हो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना करना पड़ेगा. अब आप बड़े हो रहे हो, बड़े क्लासेस में ऐसा होता है. ठीक है, यस मैम. चलिए बेटा आज का सेशन हम एंड करते हैं. गुड बाय, टेक केयर मैम. गुड बाय. गुड बाय.